अरे आज स्कूल की टीचर ने इतनी असाइनमेंट्स दी हैं कि करके थक गई हूँ। अरे ज़ैनब अब फिर से क्या तोड़ दिया? छोटी बीबी, मेरे हाथ से बर्तन गिर के टूट गया। जरा मेरे पास आओ ना। आ छोटी बीबी, अब मैं क्या करूं? छोटी बीबी फिर से मेरी क्लास लेंगी। जी छोटी बीबी, आपने मुझे बुलाया? क्यों बुलाया है? छोटी बीबी मुझे माफ कर दे, मैंने जान के नहीं किया, मुझे माफ कर दे। कोई एक गलती की हो तो ही तो माफ करूं, तुम्हारी तो गलतियां नहीं खत्म होती। तुम्हें पता है तुमने इस हफ्ते में तीसरी दफा बर्तन तोड़ा है? बीबी जी मैंने जानबूझकर। चुप करो तुम। तुम जैसे गरीबों को क्या पता कि कितने कीमती बर्तन होते हैं। ये जो तुमने इस हफ्ते में तीन बर्तन तोड़े है ना हमारे, इस महीने में तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगी पैसे। बीबी मेरे ऊपर थोड़ा रहम करे, मेरी माँ भी बीमार है। तुम्हारी माँ बीमार है तो मैं क्या करूँ? नहीं तोड़ने थे ना बर्तन। बीबी जी मैंने सोचा था इस बार मैं अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, अगर आप मेरी तनख्वाह में से काट देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? बीबी जी मेरी तनख्वाह है कितनी, जो आप उसमें बर्तनों के भी पैसे काटेंगी? तुम इधर रुको, मैं देख के आती हूँ तुमने कौन सा बर्तन तोड़ा है। बचेगा। ओ बीबी इधर देखो, क्या टीवी की तरफ देख रही हो? वो जो तुम प्लेट तोड़ के आई है ना, वो डिनर सेट की थी। इस बार मैं मामा को कहूंगी तुम्हें बिल्कुल तनख्वाह ना दें। बीबी जी एक प्लेट ही ना टूटी है, अगर आप मुझे तनख्वाह नहीं देंगे तो मैं अपनी माँ का कैसे इलाज करवाऊंगी? बीबी जी सारे दिन मैं काम करती रहती हूँ, एक प्लेट टूटने की वजह से आप मुझे तनख्वाह नहीं देंगी? अच्छा तो तुम्हारा ये मतलब है कि हम तुमसे सारा दिन काम करवाते रहते हैं? नहीं छोटी बीबी, जितनी तुम्हारी तनख्वाह है ना उससे कम ही काम करवाते हैं। नहीं छोटी बीबी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, अगर आप मुझे तनख्वाह नहीं देंगे तो हमारे घर का कैसे गुजार चलेगा? तो फिर तुम ध्यान से काम किया करो ना, मुझे तो कोई शौक नहीं है तुम्हारी तनख्वाह काटने का। अगर ध्यान से काम नहीं करोगी तो यही होगा। छोटी बीबी आज मुझे बहुत बुखार था, सुबह से मुझे चक्कर आ रहे थे। आपने मुझे खुद ही तो कहा था कि मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना के लाना, इसलिए जल्दी जल्दी में मुझसे एक बर्तन टूट गया। अच्छा तो तुम अब मुझे जालिम कह रही हो? नहीं छोटी बीबी, आज घर वाले पार्टी पे चले गए थे तो मैंने सोचा कि तुमसे कुछ अच्छा सा पकवा लूं, मगर तुम तो मुझे ऐसे बातें सुना रही हो कि मैं तुम्हारी मुलाजम और तुम मेरी मालकन हो। नहीं छोटी बीबी मैंने ऐसा कब कहा? हाँ हाँ मैं तो झूठ बोल रही हूँ ना। नहीं छोटी बीबी, आज तुमसे ज्यादा काम क्या करा लिया? तुम्हें तो लग रहा है कि मैं तुम पे जुल्म के पहाड़ तोड़ रही हूँ ना? मुझे माफ कर दे छोटी बीबी, मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी। आइंदा का क्या मतलब, तुम इस नौकरी पे रहोगी तो ही तो गलती करोगी। मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त नौकरी से निकाल रही हूँ। छोटी बीबी बड़ी बीबी को तो आने दे। मैं बड़ी बीबी से खुद ही बात कर लूंगी, अब तुम मेरे घर से निकलो। छोटी बीबी बना दे। छोटी बीबी इतनी माफी मांगने से भी आप मुझे माफ नहीं कर रही तो मैं चली ही जाती हूँ। हाँ हाँ जाओ। ठीक है बीबी जी, अब मैं जा रही हूँ। और हाँ बीबी जी, वो किचन में खाना पक रहा है, उसे देख लीजिएगा। और हाँ वो मेरी एक बात याद रखना, ऊपर वाले की जमीन बहुत भरी होती है, मुझे कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। हाँ हाँ जाओ, एक काम क्या करा दिया, सर पे ही चढ़ जाती है। बातें तो ऐसे करती है जैसे हम इसके मुलाजम है। ये तो बीबी जी की आवाज है। रुको जाना, बीबी जी ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम अभी भी उनके बारे में सोच रही हो? छोटी बीबी ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया, वो उसकी जिम्मेदारी खुद है, मगर मैं क्यों उन जैसी बनूं? फिर मैं चल के देखती हूँ। अरे बीबी जी ये क्या हो गया आपको? छोटी बीबी जी यहाँ लेटर। छोटी बीबी जी मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। मैंने इसके साथ कितना बुरा किया और ये मेरा कितना ख्याल रख रही है।
जी पानी पिए। बीबी जी आप ठीक है ना? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? आप परेशान मत हो, मैं आपके मामा पापा को फोन करती हूँ। ठीक है बीबी जी, मैं चलती हूँ। अरे रुको जैनब। जी बीबी जी। मुझे माफ कर दो जैनब, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। ऐसा मत कर बीबी जी, गलती तो इंसान से होती है और वो इंसान तो बहुत अच्छा होता है बीबी जी, जिससे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मैंने तुम्हें घर से निकाल दिया मगर तुमने ही आके मेरी मदद की। कोई बात नहीं बीबी जी। जैनब तुम बहुत अच्छी हो, मुझे छोड़ के मत जाना, हो सके तो मुझे माफ भी कर देना। कोई बात नहीं बीबी जी, मैंने आपको माफ किया। शुक्रिया जैनब आपका। ठीक है बीबी जी, आप आराम करें, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। छड मालक ते डोरा तू क्यों डोलदा ए, एक रास्ता बंद हुंदा चार रब खोलदा ए। याद रखना दुआ में।